जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे थे गोलू मंदिर। अल्मोड़ा से बहुत टूर हो गए हमारे और काफी मंदिर जा रहे हैं। ये हमारे धीरेन्द्र जी, ये हमारे माता दी। अभी जागा हूं तो बाल भी नहीं बनाए। मालाइन डेंटल सेंटर से संतोष बिष्ट, ये हैं बहनोई हमारे। हेलो। धीरेन्द्र के मौसा जी, ये रानी खेस आए हैं। आए कहीं से? नहीं, यही अल्मोड़ा में। तो अभी आपको चितई गोलू मंदिर के दर्शन कराते हैं, गोलू देवता के। धन्यवाद। जय हो गोलू देवा, गड़ी तंपावत को जय हो गोलू देवा। तुम भले करिया देवा, हम भुज करू ले सेवा। छह कुंटल की दो और आठ कुंटल की एक घड़ी वो है। और कुछ घंटियों की ऊंचाई कम भी है तो अपना सर बचा के भी चलना पड़ता है। अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड के लोग तो सभी जानते हैं कि चितई गोलू का मंदिर के बारे में और गोलू जी के बारे में। अगर बाहर के लोग अल्मोड़ा घूमते हैं तो चितई, और इसके बाद फिर गाना गोलू पड़ता है। यहाँ जरूर आए, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ असंख्य चिट्ठियां लिख के लोग रख जाते हैं, एप्लीकेशन भगवान को अर्जी लगा जाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर घंटी चढ़ाते हैं, घंटी अपनी खुशी से भी लोग चढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने मन में भी कोई जो ये देख सकते हैं आप, ये चिट्ठियां सभी भगवान से अपनी अर्जी लिख के जाते हैं कि जो भी इनको अपनी मेरा हो या बिना का सूरज है, देना हो या राति का चंद्र है। जय हो गोलू देवा, तुम भले करिया देवा, हम भुज करू लो सेवा। तुम भले करिया देवा, हम भुज करू लो सेवा। पाँच तीन आठ तीन पाँच आज
ठाट करते तो और भी बढ़िया था राष्ट्र भैरव फिर। अच्छा गोलू मंदिर से वापस आ गए हैं। दाना गोलू मंदिर है, कहते हैं चितई गोलू मंदिर की जो भी अपनी यात्रा है और दाना गोलू मंदिर में आके ही पूरी होती है। जैसे माँ के मंदिर में जाके भैरव के मंदिर में जाने से पूर्ण होती है यात्रा, वही इसका भी है कि दाना गोलू में ही आके यहाँ आना बहुत जरूरी होता है, आके पूरा होता है। जय हो भोलू देवा, हे मेरा बाला जय हो भोलू देवा। चर्चा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला, चर्चा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला। गड़ी चंपावत को जय हो भोलू देवा, गड़ी चंपावत को जय हो भोलू देवा। तुम भल करिया देवा हम कुछ करू ले सेवा, तुम भल करिया देवा हम कुछ करू लो सेवा।